आप दोनों को शादी की सालगिरह की मुबारक हो। ये लीजिए मैडम। वाह, मैं तो लंबा हूँ, मेरे को मैं तो 6 बजे आ गई थी, मैंने मर्च की गुड़ाई करी। अरे मैं मेहनत करना चाहिए, ये करतोड़ करतोड़ लगे थी साल से ना नहीं। आज चलो ना दिमाग पहले तुम्हें नहला दे। वीडियो बनाने वाले की जय, सब देखना वही थे वीडियो दिल्ली बटी उन्हें बटी सब टीवी। और भाभी उनका अब नया घर बन रहा है, अभी के नाती का बर्थडे भी आ रहा है और घर के बल गृह प्रवेश भी कराएंगे, तो उस दिन भी एक अच्छा। जय माँ भगवती दगड़ियो, कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने घर से। तो एक बार पहले आप लोगों को मौसम बताते, और आज मेरे कैमरामैन मेरे पापा बने तो उससे पहले आप लोगों को एक बार मौसम बताते हैं। तो कल शाम को थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, तो मौसम आज बिल्कुल साफ लग रहा है, मतलब जो आग लगी थी वो थोड़ी कम नजर आ रही है, धुआं नजर नहीं आ रहा, नहीं तो फिर से बारिश बंद हो रही है और धुआं लगना फिर से शुरू हो जा रहा है। तो दीबा माता तो नहीं दिख रही बिल्कुल साफ, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बाकी आस पास के गाँव थोड़े बहुत साफ दिखने लग गए। और मौसम आज अच्छा हो रखा है, बहुत तेज धूप लगी है और साफ हो रखा है बिल्कुल। तो अभी तो मैं घर में हूँ, अब पहले फटाफट से नाश्ता करते हैं। तो आज मैं और माँ जा रहे हैं गाय के साथ, और आज हम दोनों अपनी गाय भैंसों को तलिया साइड ले जा रहे हैं। तो बहुत दिनों बाद आज फिर से तलिया साइड जाएंगी गाय भैंसें, और वहाँ कुछ काम है इस वजह से उस साइड जा रही है। तो अब आगे से माँ ले जा रही है और पीछे से मैं ले जा रही हूँ। तो तलिया साइड लाई हूँ मैं अपनी गाय भैंसों को, तो ये रही हमारी गाय भेड़े, और अभी तक थोड़ी देर तक मैंने देखा इन्हें और अब माँ देखेगी है ना अभी तक, क्योंकि मेरी मम्मी खेत के आल पार जो बाड़ होती है उससे कर रही थी। ठीक है, अब तुम गाय भैंसे चराओ और हम ऊपर जाते हैं वहाँ वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे ताई जी भी आ रखी है मिर्च गोड़ने के लिए, और ये मूली किसने दी, ताई जी ने? तो मूली ताई जी ने दे रखी, आज हम इसके परांठे बनाएंगे हम। ताई दी ना आणू चल, तो बोल हमारी थोरी के लिए घास हो जाता है और हमारे लिए मूली हो जाती है। तो धन्यवाद ताई जी मूली देने के लिए। तो अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग आ रखे हैं, तो अब अच्छा व्लॉग वहीं बनेगा, क्योंकि कितने दिनों से मैं मतलब सबसे नहीं मिली। तो यहाँ पे भाभी तो आ भी गई खेत से काम करके। अरे कहाँ जा रहे हो आप? मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। सब्जी लेने? अरे सब्जी मंडी में आ रखे और सब। मैं तो 6 बजे आ गई थी, मैंने मर्च की गुड़ाई करी। हाँ? अरे मैं धूप लग रही है मेरे को, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा, तो आप जाओ और अब हम जाते हैं खेत में। तो जब घट्टू में आओ तो कुछ ना कुछ सब्जी दिखने को मिली जाती है। तो इस पे बहुत सारी राजमाएं हो रखी है, लेकिन अभी पत्ते पत्ते दिख रहे हैं, थोड़ी बहुत दिख रही है छीमिया, छीमी बोल देने। तो ये री राजमा, ये देखो हमारे खेतों की राजमा। अरे तो इतनी होगी राजमा, अभी तो ऐसे ही सब पेड़ों पे लगी है, कुछ दिन में पक जाएगी अच्छे से। तब तक पता नहीं इस कैमरे को क्या हो जाता है। तो मैं जो राजमा बता रही थी वो भाभी उनकी हो रखी है, तो भाभी हमें राजमा भी देना। ठीक है, अपने आप ही मत खाना पूरा राजमा। वही तो वीडियो देखो ना लो खुद भी आई जो वीडियो बना लो वो कर बीच जो खाना को ना लो वो कर बीच आज वीडियो देख लो वो कौन भी है कर बीच वो थई चण ज्यादा कर भाई। हां वही तो जो देखो वीडियो देख लो वो तक खाना तरसता आलो की यार कंच राजमा। तो आपकी मिर्ची तो बहुत अच्छी हो रखी है। हां बढ़िया नहीं होना मामा तो लो, वही तो मेहनत करी है। यो तो मेहनत करना चाहिए, कर तोड़ कर तोड़ लगे छी। वही तो बिना मेहनत करे कुछ ना, बिना मेहनत करे कुछ नहीं होंगे। अरे किसका लग लो है काकड़ तुम तो एक कद्दू की बेल है, वैसे ककड़ तुमा बोलते हैं, मतलब वो थोड़ा अलग होता है, कद्दू से थोड़ा अलग होता है ना। तो मिर्ची की ये तो ना खान दिया जानवर थे। तो अब मिर्ची की गुड़ाई करो, अब हम आपकी देवरानी के सामने चलते हैं। बस बस तुम आओ हम देवरानी समझ चल जाओ। वही तो देवरानी पुंगड़ भी चाहे जिठानी की जिठानी नीत का लोग ही ना बोल दिए कि जिठानी जिठान से सारा पुंगड़। तो उधर साइड उनकी देवरानी का खेत है और इधर साइड उनका है, इसलिए खेत बड़ा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है।
तो अब चलते हैं कॉमेडी भाभी के सामने। है भाभी, अरे बढ़िया हुआ यार जी। तो नहीं तो भाभी ने बोल 2 साल से ना आए नहीं। आज चलो ना दिमाग पहले तुम्हें नहला दे। चलो चलो, अरे बहुत अच्छी हो रही है आपकी मिर्च। नहीं नहीं, हम तो आपको ही खींचेंगे। अरे बहुत अच्छे लग रहे हो आप। अरे 2 महीने में नहीं भी लोड़ी भी तो चला गाड़ में ना आंदा तुम तो गोड़ खाई तो आधा टाइम का छ किले टाइम नहीं दो ध्यान पर खलेगी जब बरखम जान दे ना ना बरखम किले जान दे तबे खराब हो जानी नहीं हुन भाई ना। अब मार्च में का छी तो और क्या क्या लगा रखा है आपने इस खेत में? मार्च ही मार्च है। हां और तक क्या है लग ले नहीं है? नहीं। और सब्जियां नहीं लगा रखी? नहीं सब्जी भी नहीं है। क्यों क्या करें, जमा नहीं है सब्जी, जमी नहीं है सब्जी। मिर्ची मिर्ची जमी, मिर्ची जमी हुई है। अच्छा बस, और बस मेरी फोटो क्यों खींच रही है भाई? तो मेरे तो कैसा हो रहे थे मैं भी। अरे अच्छा हो रखी है भाई, ये कपड़े देखो मेरे कितने गंदे हुए हैं, गोट गोट कर। अरे जो जो गंदा बोलेगा उसे कपड़े धोने दे देना, ठीक है? तो वहाँ से लेके पूरा यहाँ वहाँ तक हमारे सब्जी मंडी बोल सकते हैं, पूरी सब्जी मंडी है पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक। तो आज हम सब्जी मंडी की सैर कराएंगे, आपको सब्जियाँ देखने को भी मिलेंगी और सब्जी उगाने वाले आपको किसान भी मिलेंगे, किसानों की वाइफ भी मिलेंगे आपको, सब तो वो भी किसान ही हुई। तो आज आपको अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ भी दिखाएंगे और किसान भी। तो अभी हम दादी उनके खेत में आ रखे और दादी बोल रही है बल गाय भैंस की भैंसे बल उसकी कहाँ और वीडियो बनाने हो कहाँ आ रखी है और मिर्चों में डाल रहे हो आप पानी। हमने कहा कि कल बारिश हो गई। हाँ है, और टॉफी भी मिल गई। टॉफी मिल गई, अरे दादी के पास मिल ही जाती है टॉफी। देख लीजिए तू, बारिश पानी कुछ नहीं हो रहा है। वैसे लगा रखी है ये मिर्ची, सूख गई। नीचे नीचे भी दिखा दे, वही तो अभी लगा रखी है, अभी सूख गई। अब नदी का पानी डालेंगे, नहर का पानी। अब नहर का पानी लिया ही मैं, आसमान का पानी तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, वही तो। कोई बात नहीं, नहर तो है, कुछ काम तो आएगी। नहर तो है। हाँ। अब आज वीडियो बनाने वाले की जय। बिल्कुल, जो भी सरकार तो बता दी तो। वही तो, अब कुछ दिन ब्रेक ली जरा वीडियो बना। ब्रेक नहीं लूंगा तो। जन आज भी नहीं आई वीडियो, जरा बोलो फोन बनाना दीड़ा ना। अच्छा, तब जरा 2-4 दिन ब्रेक ली। वीडियो सब देखना छे बई तेर वीडियो दिल्ली बटी ने बटी सब टीवी वो कयो छु। हां यार ट्यूनर करू तो टीवी में कयो सब की सब्सक्राइब। आजकल अब सब टीवी में देख दी, फोन को देख दी। हां भाई, हां बड़े आवाज जानी ठाम टीवी में। हां तो अंदर टीवी में देख ला, वही तो उनका लोग घर में नहीं देखता, हम तो अब टीवी में देखना जी। अरे तो खैर अब तो कर का देखना मला, वही तो काम काम काम। तो आजकल सभी लोग मिर्ची का ही काम कर रहे। तो दादी ने मिर्च कहाँ से ला रखी है आपने? खेत से, ऊपर खेत से। तो दूसरे खेत से इस खेत में लगाने के लिए लगा रखी है, तो तब उनके लिए पानी चाहिए, तो नहर का पानी डाल रहे हो। तो डालो फिर आप पानी, अब हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं। वही तो भाभी तो पता नहीं रात को ही कब आ गई, उनकी चाय का थर्मस भी आ रखा है यहाँ पे। है भाभी, और आपकी मिर्च कुर्ची दी मैंने, वही मिर्च कुर्ची ने आ रखी हूँ मैं। तो क्या कर रहे हो आप, पानी डाल रहे हो? अरे पानी मस्त लग रहा है। जल जीरा पिलाना तुम मर चुके तो भाभी ने जल जीरा बना रखा है, जल जीरा पिला रहे हो अपनी मिर्चों को। कैंप के ओला है और क्या क्या मिला रखा है फिर आपने जल जीरा में? बहुत कुछ मिला रखा है। अच्छा, जैसे कि इनके लिए ठंडा हो जाए। अच्छा, इनकी मुंडली चोटकी हो गई थी तो। वही तो, उनकी मुंडली खड़ी करो। कैसे होगी इसकी मुंडली खड़ी? तो क्या क्या लगा रखा है आपने इस खेत में? इसमें मिर्च है। हाँ? मूली है। हाँ? और मुंगरी है। अच्छा, और बाकी है राजमा है। हाँ? बाकी कुछ भी नहीं है बस। तो भाभी हमें मूली दे रही थी लेकिन मेरी मम्मी आवाज ही नहीं सुन रही। मैंने बोला आज रहने दो आप, आज हमें ताई जी ने दे रखी है मूली, आप दूसरे दिन देना। और यहाँ देखो उन्होंने उन्होंने भी बाल्टी जग उन्होंने तो सारा इंतजाम करके लाए हैं। नीचे तो थैले से काम चला रहे हैं।
बर्तन नहीं लाए हो? एक डिब्बा ला रखा है, बाकी थैले से काम चला रहे हैं। आप तो बाल्टी, आप तो सारा जुगाड़ करके आए हो घर से। मैं तो दो तीन दिन से यही काम कर रही हूँ। अच्छा, दो तीन दिन से इसी खेत में देले वो सब मैंने ऐसे लगाए पानी से नीचे नीचे। तभी आपका चाय का थर्मस भी आ रखा है यहाँ पे, रोटी भी ला रखी है हमने। चाय नहीं है यार, गर्म पानी है। अच्छा, गर्म पानी है। बुखार आ रहा है, बुखार। और जिसे जल जीरा पीना है आ जाना है, जल जीरा पीना है तो वो भी है। ठंडी हो, जिसे गर्म पीना हो पानी, और जिसे ठंडा पीना हो जल जीरा है। जल जीरा है वही तो पियो आप। और पीजिए एक जग। नहीं नहीं, आप ही पियो यार, मुझे नहीं पीना जल जीरा। आप पियो जल जीरा और इनकी मुंडली को खड़ा करो। अरे ये तो उनकी मुंडली खड़ा करने के लिए मेहनत कर रही हूँ। ये उनकी मुंडली टूट गई, हो गई, उनके खड़ा करो। हो गई उसकी मुंडली नीचे। वही तो। तो भाभी ने भी इस खेत में मूली, मक्के और मिर्च और छीमी, ये राजमा भी लगा रखी है। और भी है कुछ? काकड़ी तो नहीं हो रखी ना खेत में? नहीं, काकड़ी अभी आए। और कुदाल? कुदाल से क्या करोगे आप? मुंडली तो ऐसी खड़ी नहीं हो रही उनकी। इसको ऐसे करेंगे। अब दूसरे दिन ले जाएंगे आपके खेत से मूली, ठीक है? तब तक इन्हें खड़ा करके रखना, ठीक है? इन्हें सोने मत देना बिल्कुल नहीं। अब हम अब बोले एक दिन वाला अब वीडियो बना लो तो दिखाओ बस मूला। वही तो वो अलग ही मुंडली दिखेना चाहिए। तो ये रहे हमारे गांव की खेतों की मूली। पूरे खेत में ऐसे हर जगह पे हो रखी है मूलियां और मिर्च। और तब थोड़ा दादी के सामने चलते ना 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 ना। तो दादी भी यहाँ पे मिर्ची की गुड़ाई कर रही है दादी है? भला हुई आची मिर्च फोटो खिंचाने से आए। हाँ जरा काम करना सीखा है, पोज दे दो जरा। हाय हेलो कह दो, कर दी जरा इन कर दी। टाटा कह दो, टाटा कह दो, टाटा टाटा टाटा। हाँ एक टाटा 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 रे। हाँ टाटा टाटा बुलल के काजी में वो मियां ना देखो बुलल जाजी और फोटो दादा। तो यहाँ से हमारे गांव के कुछ घर भी दिखते हैं, वो भी और ये भी। और भाभी उनका अब नया घर बन रहा है, ये नीचे वाला पहले से बना था और ऊपर वाला अब बन रहा है, उसका कलर ही अलग बता रहे। अब एक दिन यहाँ भी होंगे कीर्तन, है ना? अब एक दिन यहाँ भी कीर्तन देखने को मिलेंगे, है ना? अच्छा, तो भाभी के नाती का बर्थडे भी आ रहा है और घर के बल गृह प्रवेश भी कराएंगे, तो उस दिन भी एक अच्छी सी छोटी सी पार्टी होगी। तो उस दिन जाएंगे अब हम वहाँ गाड़ाचल, है ना? तो वहां से आ रखे सभी लोग यहाँ घट्टू में। तो हमें उतनी नीचे थी और वहां से यहाँ पहुंच गई वीडियो बनाते बनाते। और मम्मी कब से बुला रही है, वहीं चलती हूँ सीधा। आज मेरी मम्मी और पापा की 22वीं सालगिरह है। 22वीं ना? कितने साल हुए पापा? 23 हो गई, अब 23 शुरू होगी, 22 पूरे हो गए। अच्छा, तो 22 साल पूरे हो गए मेरे मम्मी पापा की शादी को। हाँ। और 23वां साल लग गया आज से। हाँ। तो आप दोनों को शादी की सालगिरह की मुबारक हो। धन्यवाद। वाह, वो सर मोने सीधे बाप दी गुलाब फूल माँ बाल फूल लगाओ बाबा मैं लगा दे बाबा गुलाब न मेरा बुरास फूल लेने आप गाँव में। तो मेरी नानी के गाँव के साइड होते हैं बुरास के फूल, वहाँ से लाएगी बल मेरी मम्मी। तो आज बारात गई थी यहाँ से, आज यहाँ से बारात गई थी, वहाँ गाली खा रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, डंडे निकाल रहे थे उस गाँव वाले। क्यों झगड़े हो रहे थे? क्या बीती थी तब? जो मेरे को बोल रहे थे कि फेंक मुकुट और चल घर। लेकिन मेरे को इतनी सुंदर बीवी मिली है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं तो दुल्हन को लेके जाऊंगा। तो उस दिन बल थोड़े बहुत झगड़े हो गए थे, तो पापा के दोस्त लोगों ने कहा बल चल बल घर मुकट फेंक दे बल। तो पापा ने बोला बल मैं मम्मी को नहीं छोड़ूंगा, है ना? देख लो दिल विश्वास ही ना, माँ तो घूंघट के नीचे छुपी थी, है ना? खिड़की से देख रही थी अंदर, खिड़की से देख रही थी, झाक रही थी ऐसे ऐसे करके। और क्या क्या कर रहे, क्या कर रहे? अच्छा, गुलाब नीचे गिर गया, माँ इज्जत कर बाबू गुलाब दियो दीदे। थैंक यू तो बोल दे बाबू को।
तो आज हमने कोई पार्टी वार्टी कुछ नहीं किया, क्योंकि पिछली बार मेरी मम्मी को बोल पसंद नहीं है, शिशु रहता तो तब पसंद रहता है ना। पिछली बार तो शिशु था तो थोड़ा बहुत हमने पेस्ट्री वगैरह ला रखी थी, बाकी इस बार शिशु भी नहीं है तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। और सुबह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि मुझे दोनों साथ में इकट्ठा मिले नहीं, तो अभी बना रही हूँ। तो एक बार फिर से आप लोगों को बधाई, ठीक है, सब के लिए दिखो दिया पहले। तो आप सभी लोग भी मेरे मम्मी पापा को, जो मेरे मम्मी पापा से बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद देना, और जो छोटे लोग हैं और जो बराबर के लोग हैं वो मेरे मम्मी पापा को प्यार भरी एनिवर्सरी की बधाई देना, है ना। अब बाकी धन्यवाद दूसरे दिन बोल लेंगे, और वैसे भी दोनों ने अभी धन्यवाद बोल ही दिया है। तो अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, धन्यवाद।